आप जानते ही हैं, इस वक्त बॉलीवुड टाउन में वेटेरियन अभिनेत्री किरण खेर की बीमारी को लेकर खास तौर पर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि राजनीति और किरण खेर के फैंस के बीच सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देश ही नहीं विदेशों से भी उनके लिए दुआएं आ रही हैं, क्योंकि किरण खेर ना सिर्फ बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, एक बेहतर टर्न पॉलिटिशियन हैं और साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकारों में शामिल अनुपम खेर की वो हम सफर है, बुढ़ापे की वो मसूका है, जिनके लिए अनुपम खेर हर सेकंड बात करना पसंद करते हैं। आज एक बार फिर से हम आपके बीच लेकर आए हैं हमारा यह खास प्रोग्राम बॉलीवुड हिडन सीक्रेट, जहां हम बात करेंगे किरण खेर और अनुपम खेर के बारे में। एक वो मोमेंट था जब किरण खेर को लेकर अनुपम ने बताया कि तो क्या हुआ उनके सपने टूट गए, तो क्या हुआ उनके अपने संतान के सपने टूट गए, तो क्या हुआ किरण अनुपम के बच्चे को जन्म देने के जो सपने सजा चुकी थी शादी के बाद वो कभी भी पूरे ना हो सके, लेकिन है उनकी जिंदगी में इतना प्यार कि उस दुख में ये खुशियाँ हमेशा भारी पड़ती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बॉलीवुड इन सीक्रेट के साथ मैं आपकी होस्ट तृप्ति पूरी रिपोर्ट के साथ पेश करने वाली हूं आपके लिए ये स्पेशल एपिसोड, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूं कि कैसे अनुपम खेर और किरण खेर का सपना सपना ही बनकर रह गया संतान का सुख पाने का। हाँ, ये बात अलग है कि अनुपम खेर से पहले किरण की जो पहली शादी हुई उससे उनके एक बेटे का जन्म हुआ, जिनका नाम सिकंदर खेर है, जो अभिषेक बच्चन के सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, जो टीवी से हटकर वेब सीरीज की दुनिया में कमाल कर रहे हैं, जो फिल्मों में नजर आ रहे हैं। लेकिन किरण खेर और अनुपम खेर की जबरदस्त पहचान के बावजूद उनका बच्चा यानी कि सिकंदर खेर आज भी स्ट्रगल कर रहा है। आज हम किरण खेर के बारे में बात करेंगे। फिलहाल तो वो ब्लड कैंसर से पीड़ित है, ब्लड कैंसर के टाइप 3 यानी कि मल्टीपल म्यालोमा नाम के इस घातक बीमारी से पीड़ित है और इसका इलाज वो कोकिला बेन अंबानी हॉस्पिटल में करा रही हैं। लेकिन इस बीमारी की चपेट में आने से पहले ही किरण खेर एक ऐसी बीमारी की चपेट में आ चुकी थी जिसके कारण रह गया उनका सपना सपना बनकर प्रेगनेंसी का, सेकेंड प्रेगनेंसी का, चाइल्ड प्लानिंग का, फैमिली प्लानिंग का। लेकिन बच्चों से उनका कितना गहरा लगाव रहा है, अपने बच्चों को लेकर क्या कहना है किरण का, बेटे सिकंदर के साथ कितना खूबसूरत उनका रिश्ता है, इन सब पर हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। वेटेरियन अभिनेत्री किरण खेर ने अपने बच्चे को लेकर कई स्टेटमेंट ऐसे दिए हैं जिसकी काफी ज्यादा चर्चा होती रही है। आज जिस कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है किरण खेर, उन्हें सालों पहले डायबिटीज की वजह से काफी प्रॉब्लम से जूझना पड़ा। सवाल ये उठा कि क्या इसी वजह से किरण और अनुपम को कभी भी दूसरे संतान का सुख नहीं मिला, क्योंकि किरण खेर को काफी प्रॉब्लम्स रही है, वो बीमार शुरुआत से ही रही है। ब्लड कैंसर से पीड़ित किरण खेर ऑलरेडी डायग्नोज थी डायबिटीज की वजह से और इस कारण बीजेपी लीडर किरण खेर के लिए आसान नहीं था फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करना। इसमें कोई शक नहीं है कि आज जिस अनुपम खेर का दूसरे पति का सपोर्ट किरण खेर को मिल रहा है, उस किरण खेर के लिए कभी अनुपम खेर ने कहा था पॉलिटिशियन का हस्बैंड बनकर वो बहुत खुश बहुत प्राउड है, क्योंकि घर पर वो ऐसा नहीं करती है, वो सिर्फ एक इंसान है घर पर, शी इज अ पर्सन, ये कहना था अनुपम खेर का। क्या आपको मालूम है कि अनुपम खेर ने अपनी पत्नी को लेकर एक बार स्टेटमेंट देते हुए कहा कि 45 साल एक दूसरे को जाने हुए हुए, 35 साल शादी के रिश्ते में बंधे हुए हुए, लेकिन इस 45 साल के रिश्ते में अपने खुद के संतान के लिए, पिता बनने के लिए, अपने खुद के सगे बच्चे के लिए अनुपम खेर जो तरसते रहे, उन्हें सिर्फ सिकंदर खेर की वजह से आज बुढ़ापे की इस उम्र में कोई पछतावा नहीं है। किरण खेर अगर उनकी ज़िंदगी में नहीं आती तो सिकंदर खेर जैसा उन्हें बेटा नहीं मिलता। जी हाँ, डायबिटीज़ की वजह से प्रेगनेंसी
बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है किसी के लिए भी। शायद यही कारण है कि किरण ये प्लानिंग नहीं कर पाई और सिकंदर खेर की वजह से उन्हें इतनी ज़्यादा इसे लेकर कोई और ज़रूरत भी नहीं थी। मे बी अडॉप्ट करने के बारे में भी उन्होंने ख्याल नहीं किया, क्योंकि सब जानते हैं कि किरण खेर का बेटा हमेशा उनके साथ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि किरण खेर को डायबिटीज़ होने की वजह से जो है इतना ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ा कि इस बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। किरण खेर और अनुपम बहुत कम ही एक दूसरे से मिलते थे कुछ काम की वजह से सालों पहले तक। जी हाँ, किरण खेर ने इस पर अपनी बात रखी थी। गौतम से शादी के बाद किरण खेर जब शादीशुदा ज़िंदगी में खुश थी, अनुपम खेर भी उस वक्त मैरिड थे, लेकिन कुछ गलत हुआ, दोनों का रिश्ता ही टूटा और फिर इन दोनों को करीब आने में देर नहीं लगी। हाँ, ये बात अलग है कि किरण खेर ने ये भी बताया था कि काम में बिजी रहने के कारण हम बहुत कम ही मिलते थे। पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, ससुराल में किरण को हमेशा प्यार ही मिला है। किरण खेर को ने कहा था सिकंदर अपने बेटे को लेकर कि वो बच्चे थे जब अनुपम उनकी ज़िंदगी में आए और हमेशा उन्हें काम करना पड़ता था। सिकंदर पहले पिता के जाने से काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे और सदमे में चले गए थे और इसलिए वो बहुत परेशान रहने लगे थे। अनुपम ही थे जो कि उन्हें पिता बनकर प्यार देकर हमेशा उन्हें अपने पास रखकर प्यार देकर हमेशा दूसरे पिता होने के बावजूद पहले पिता की कमी को पूरा करने की कोशिश करते थे। सालों ऐसा करने में उन्हें लगा। हाँ, ये बात सच है कि दूसरे बेबी की प्लानिंग को लेकर किरण खेर ने कभी भी खुलकर बात नहीं की, क्योंकि अनुपम खेर ने बताया कि तकलीफ किसे नहीं होती अपने संतान की कमी होने पर, लेकिन सिकंदर के होते हुए उन्हें दूसरे बेबी के अडॉप्ट करने की भी प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। आमतौर पर देखा जाए तो सिकंदर अपनी माँ के बहुत करीब हैं और वो इंस्टाग्राम पर अक्सर पोस्ट करते हैं, कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में उनकी माँ उनकी सबसे ज़्यादा ताकत बनी रही है। सिकंदर को सिबलिंग की ज़रूरत थी। अनुपम और किरण ने इस पर बात की थी। किरण ने बताया था, वी डिड एज मच बिकॉज सिकंदर नीडेड अ सिबलिंग बट इट नेवर हैपेंड डिस्पाइट मेडिकल हेल्प। मेडिकल हेल्प लेने की भी कोशिश बहुत की थी किरण खेर ने, इसके बावजूद नहीं हो सका पॉसिबल दूसरे बच्चे का। तो जाना आपने दोस्तों, जिस सिकंदर खेर को अपनी माँ किरण खेर की बीमारी के बारे में पता चलने के बाद दिन रात सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की चिंता सता रही है, इस किरण ने अपने बेटे का साथ कभी नहीं छोड़ा। शायद यही कारण है कि अनुपम खेर के बच्चे के लिए जिस किरण ने सिर्फ और सिर्फ सपने सजाए और टूटते हुए जरा से भी अपने चेहरे पर शिकंज नहीं आने दिया, उस किरण को अपने बड़े बेटे का साथ हमेशा मिला है। हाँ, सच है कि अनुपम के प्यार में पड़ने के बाद किरण ने पहले पति से तलाक लेकर अपनी जिंदगी बसा ली थी, लेकिन ये भी सच है कि किरण खेर ने तलाक के बावजूद अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा, जिसके कारण आज अनुपम अपने दूसरे पिता को किरण खेर के बेटे सिकंदर कभी भी दूसरे पिता का दर्जा नहीं बल्कि अपने पहले पिता के बराबर का दर्जा देते हैं। दोस्तों, वक्त हो गया है अब आपसे यही विदा लेने का। चाहते हुए उम्मीद करते हैं कि दुआएं आप भी जरूर कर रहे होंगे किरण खेर की सेहत को लेकर, जल्द से जल्द उनके स्वस्थ होने की कामनाओं के साथ। तो आप दुआ करते रहें और ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री की खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।